डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में शहर विधायक हाजी रफीक अंसारी के समधी की पावरलूम फैक्ट्री में गुरुवार की दोपहर भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। आग से पावरलूम फैक्ट्री का सारा सामान जलकर राख हो गया है। आग से करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। यह फैक्ट्री हाजी अकमुद्दीन की है। फैक्ट्री में उनके भाई भी साझेदार हैं। मौके पर मौजूद शहर विधायक रफीक अंसारी ने यह जानकारी दी। ये हाजी अकमुद्दीन है, उनकी फैक्ट्री थी, 3-4 भाई हैं, वो सबको मिलकर लगा रखी है और हमारे समधी हैं ये, और 12 मशीनें इसमें लगी थी। छोटे छोटे उद्योग हैं, कारखाने हैं, 3-4 भाई मिलकर लगा रखे हैं, छोटे छोटे कारखाने। अब उसमें समरसेबल होता मैन, ऐसा अंदेशा होता नहीं कि बहुत बड़ी आग लग जाएगी। शॉर्ट सर्किट से जैसे लग जाती तो हो जाता है। अब ये क्या कंडीशन रही, किस आधार पे लगी, क्या हुआ है, तो टेक्निकल बात है, देखने से पता रहेगा कैसे आग लगी। लेकिन आग लगी है, बहुत भारी नुकसान है और कुछ बचा नहीं है इसमें। जैसे रिहायशी इलाके के अंदर फैक्ट्री चल रही है, इसके आग के इंतजाम आता है बुझाने के? देखिए समर सेबिल है, गैस वैस है, थोड़ी बहुत छोटा मोटा है, गैस वैस का है सिलेंडर, उससे हो जाता। अब यहाँ तो था ही नहीं कोई, तो पता क्या चला था। वो समर सेबिल नहीं चल पाया, तार जल गए और यहाँ कोई मौजूद भी नहीं था। जब आग ने ज्यादा आग पकड़ ली तब पता लगा लो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।